आज सेंसिटिविटी पे आधारित दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. फाइंड द रेडियस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कर्वेचर ऑफ द बबल ट्यूब ऑन व्हिच द डिविजन्स आर 2 mm लॉन्ग इफ द एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन इज 30 seconds. ठीक है, क्या क्या दिया गया है कि जो लेंथ ऑफ इस डिवीजन है वो 2 mm है और एक डिवीजन की जो एंगुलर वैल्यू है वो 30 seconds. अर्थात ये क्या है, आपको ये सेंसिटिविटी है और ये आपको L है जिसे लेंथ ऑफ इच डिवीजन कहेंगे. इसके आधार पर आपको रेडियस पता करना है. तो कैसे पता करेंगे, रेडियस पता करने का दो फॉर्मूला आपको मैं कह दिया है. R इज इक्वल टू NLD डिवाइडेड बाई S एंड सेंसिटिविटी इज इक्वल टू L/R. ठीक है, और R को आप रिप्लेस करेंगे, R इज इक्वल टू L/A-. अर्थात जब लेंथ ऑफ वन डिवीजन और सेंसिटिविटी दिया गया है तो आप आर ऐसे पता लगा सकते हैं. तो ये तो अप्लाई ही नहीं हुआ है क्योंकि इसमें डिवीजन कितने डिवीजन है और डिफरेंस इन रीडिंग्स नहीं दिया गया, तो पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा. आप ऐसे सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए. ठीक है, इसी से आप सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो क्या क्या दिया गया है, तो गिवन दैट करेंगे. गिवन दैट आपको क्या क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ ईच डिवीजन, लेंथ ऑफ इच डिवीजन जिसे हम L से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 2 mm, 2 mm. 2 mm को आप 2 / 1000 कीजिए, ये आपको मीटर में प्राप्त हो जाएगी, मीटर. ठीक है, फिर है सेंसिटिविटी को अल्फा डैश से डोनेट करेंगे इज इक्वल टू 30 seconds. आपको 30 seconds है, इसे आप रेडियन में ले जाइए, तो रेडियन में ले जाने के लिए 30/2065 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू आपको 0.00014544, आगे भी 4, फिर 4. ठीक है, तो ये आप ये लिखिए या ये लिखिए, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ. ठीक है, इसे मैं इरेज कर दूँगा. चलिए हाथी से कर देता है, इसे इरेज कर दूँगा, आप यही लिखिए. ठीक है, और रेडियस अभी से रेडियस आर इज इक्वल टू व्हाट, ओके, तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, आपको पता है कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू A' इज इक्वल टू L/R जब है तो देयर फोर आर इज इक्वल टू आपको L/A-. ठीक है, इज इक्वल टू अब L की वैल्यू आप रखिए 0.002/ A' की वैल्यू है कितनी, 30/2065, ये एक ही में है. ठीक है, इज इक्वल टू 0.002 × ये ऊपर चला जाएगी ये वैल्यू, तो 206265/30 इज इक्वल टू आपको मे बी 13 या 15 है. ठीक है, तो मैं आप 0.002 × 206265/30 13.75 meter. हेंस रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब इज इक्वल टू 13.75 meter. यही है इसके आंसर. ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे.